यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले करनाल के सेक्टर 12 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने सभी बैंकों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते बैंकों के कर्मचारी उखड़ गए हैं। हड़ताल को रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों द्वारा भी अपना समर्थन दिया गया है। यूनियन नेताओं ने बताया कि भारत सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते पूरे देश में आज से 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। अगर सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं करती तो आने वाले समय में बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और सरकार की बैंक विरोधी नीति के बारे में जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। हम आपको बता दें कि बैंकिंग क्षेत्र को निजीकरण किए जाने के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल से बैंकों में कई दिन कामकाज ठप होने के आसार बन रहे हैं। फिलहाल बैंक कर्मचारियों की मांग है कि सरकार जो बैंकों का निजीकरण कर रही है उसको नहीं किया जाए, क्योंकि बैंक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर उनके कर्मचारी ही प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर रिटायरीज एसोसिएशन का प्रधान की हैसियत से आज इनकी हड़ताल में हमने पार्टिसिपेट किया है, तो मैं सरकार से यही करेंगे कि पिछली सरकार ने इसको राष्ट्रीय इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था और इनको जो है जितनी सोशल स्कीमें हैं वो सरकारी बैंक करता है, तो सरकारी बैंक को का निजीकरण रोका जाए। और हम मैं रिटायरी साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस इनका 2 दिन के जो विरोध प्रदर्शन है इसमें बढ़ चढ़ कर जो है पार्टिसिपेट किया जाए। कुछ कहना चाहिए, बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और मैं महेंद्र राठी अपने सेवानिवृत्त साथियों के साथ इस हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए और इस निजीकरण के विरोध में हम यहाँ अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं नारे लग रहे हैं। मैं आपसे के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि निजीकरण बैंकों का एक बहाना है, वास्तव में तो देश को बेचा जा रहा है। और हम जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं वो इन बैंकों को बिकने नहीं देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र वैसे भी हमारे देश में डाउन जा रहा है और मोदी सरकार जो कार्य कर रही है उससे देश की दुर्गति हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था का नाश हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देश की अर्थव्यवस्था में 2 कैटेगरी का विशेष महत्व रहता है। एक है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर किसान उसमें सहयोग देते हैं, और सर्विस इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सहयोग रहता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के माध्यम से लागू की जाती हैं, और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो कम होती है। डिफ़िकल्ट हालात में वो काम करते हैं, रिमोट एरिया में जाके काम करते हैं और ऐसे ऐसे अनबैंकड एरिया में जाके काम करते हैं जहाँ आना जाना मुश्किल होता है। वो अपने सुख सुविधा, अपने परिवार के आराम को त्याग करके जा करके लोगों की सेवा करते हैं। यदि ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाता है तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होगा और इसको रोकना होगा। मैं जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं और रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएँ और बैंकों का निजीकरण होने से रोकें। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।